नमस्कार, मैं जनवक्ता जगमाल सिंह। आज जब मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राम भक्त और हनुमान भक्त बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामायण से जुड़े पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बातें कर रहे हैं, तो इस बदलाव को देखते हुए हमें विनायक दामोदर सावरकर का एक बयान याद करने की जरूरत है। सावरकर जी ने तब कहा था कि उन्होंने कांग्रेसवादी हिंदुओं को न सिर्फ शरीर पर बल्कि कोट पर जनेऊ पहनकर सनातनी सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए बाध्य कर दिया। सावरकर ने यह बात तत्कालीन राजनीति के संदर्भ में कही थी, लेकिन ये आज भी प्रभावी है। महाराष्ट्र के सावरकर स्मारक के अध्यक्ष और वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने विश्वास न्यूज से बात करते हुए उनके इस बयान की पुष्टि की है। उन्होंने 10 जुलाई 1943 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा के गठबंधन को लेकर कांग्रेसी दुष्प्रचार को जवाब देते हुए ये बातें कही थी। यहाँ सावरकर जी लिखते हैं कि परंतु यह टिप्पणी मन पूर्वक की जाती तो मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि हिंदुओं पर यदि अत्यंत घिनौना हीन आरोप करना हो तो वह पाकिस्तान अनुकूल और लीग को अथवा मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए हिंदू हित का घात करने वाला है। यह है, यह बात सीखने के लिए मैंने कांग्रेसवादी हिंदुओं को अंत में बाध्य किया। जैसा मैं बार बार कहता था, उनके अनुसार कांग्रेसवादी हिंदुओं को केवल शरीर पर नहीं कोट पर जनेऊ पहनकर हिंदू संगठनी सिद्धांतों का प्रचार करना पड़ा। ठीक 4 वर्षों के पश्चात जून 1947 में कुछ ऐसा ही घटा। कुछ ही दिनों पहले कमलनाथ ने राम मंदिर के भव्य निर्माण का स्वागत किया था। उन्होंने बीते 31 जुलाई के दिन एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि देशवासियों को लंबे समय से इसकी अपेक्षा और आकांक्षा थी। मंदिर निर्माण हर भारतीय की सहमति से हो रहा है और यह केवल भारत में ही संभव है। इस वीडियो में कमलनाथ के पीछे भगवान हनुमान की तस्वीर भी नजर आ रही थी। कमलनाथ के पीछे पीछे आज इस मौके पर राहुल गांधी के प्रमुख चाटुकार मनीष तिवारी ने भी भूमि पूजन पर लोगों को बधाई दी। मनीष तिवारी और फिर प्रियंका गांधी ने भी राम मंदिर को लेकर ट्वीट किया। बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वो पार्टी है जो अब तक भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी। इस पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ दलील दे रहे थे। मनीष तिवारी ने कई बार राम मंदिर के खिलाफ जहर उगला है, जो आज राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस कदम को दिखावा बताया। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा राम के अस्तित्व को खारिज किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कांग्रेस के इस बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।